अस्सलाम वालेकुम अर्ज, वेलकम बैक। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टॉपिक है स्टैगर कॉरिडोर क्रॉस सेक्शन लेवल इन सिविल 3D। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन व्यू नजर आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे जब हम जनरली सिविल 3D में कॉरिडोर सेक्शन लेवल लगाते हैं तो उनमें जो स्टैगर की ऑप्शन है वो जनरली बेंड स्टाइल में जहाँ पे आप सरफेस लेवल लगाते हैं वहां पे यूज होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इनको असेंबली में ही कॉरिडोर लेवल के हमने अगर फोंट कुछ ज्यादा रखना हो तो वो ओवरलैप हो जाते हैं, तो इनको हम स्टैगर करके असेंबली में कैसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इसी ऑप्शन को हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। यहाँ स्क्रीन पे आप एक असेंबली देख रहे हैं। अभी सबसे पहले हम इसको नॉर्मल कोड सेट अप्लाई करेंगे और इसके लिए मैं इसको न्यू ही क्रिएट करूंगा ताकि ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि न्यू कोड जो है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोई भी एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने इसको असेंबली डेमो दिया यहाँ पे नाम, ओके। और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट न्यू करता हूँ, ओके। या यहाँ पे असेंबली डेमो है तो यहाँ पे ये बेसिक पे है, ओके। और यहाँ पे मैं इसको न्यू कोड देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये जो कोड है मैं इसको डेमो ही रख देता हूँ, ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो पॉइंट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट हमने असेंबली से इंपोर्ट करने हैं, ये हमारे पास पॉइंट है। तो यहाँ पे हम एक जो है वो कोड सेट जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे इसको भी मैं न्यू ही करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कोड, ओके। लेआउट यहाँ पे जो है टेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हमने बिल्कुल इसको स्क्रैच से करना है। यहाँ पे हमें एक लाइन रिक्वायर्ड है, मैं इसको ऐसे ही एक लेंथ दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रोटेशन एंगल दे देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसको एक टेक्स्ट जो कि हमें लेबल चाहिए यहाँ पे, तो इसको मैं फिलहाल 1 पे करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मिडल टॉप कर देता हूँ। और इसके जो है यहाँ पे मैं एंकर जो है वो लाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे हम जो है वो लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो लेबल में सबसे पहले जो है हमें वो असेंबली पॉइंट चाहिए यहाँ पे, नेक्स्ट लेबल जो है वो हमारा पॉइंट एलिवेशन है, तो पॉइंट एलिवेशन हमें यहाँ पे चाहिए। इसको यहाँ पे मैं लेफ्ट कर देता हूँ, कोई भी आप जो भी फॉन्ट रखना चाहे आप फॉन्ट रख सकते हैं और इसका कलर वगैरह जो है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे मैंने इसको 1 रखा है, ओके। और यहाँ पे मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ, ओके। ये कोड हमें कहाँ कहाँ पे चाहिए हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके असाइन कर देते हैं। यहाँ पे ये कोड के नाम से अभी हमने बनाया, अप्लाई ओके, अप्लाई ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कोड सेट हमारा यहाँ पे ये अप्लाई होके आ गया है, ठीक है। ये जस्ट हमने नॉर्मल कोड यहाँ पे असाइन किया है, ठीक हो गया। अभी आप यहाँ पे इसको अगर असेंबली में रन करें, ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन में भी यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे अभी अगर आप यहाँ व्यू प्रॉपर्टी में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये डेमो के नाम से जो अभी हमने बनाया अप्लाई ओके किया हमने, ठीक हो गया। तो ये नॉर्मल जो कोड था वो हमारा यहाँ पे आ गया है। अभी हमने इसको स्टैगर में बनाना है, तो स्टैगर में बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये सेटिंग टैब में जाना है। सेटिंग टैब में यहाँ पे आपने ये जो सेक्शन का प्लस बटन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये एक कॉरिडोर के नाम से यहाँ पे आपको एक ये यहाँ पे कोड मिलेगा, तो इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं कॉरिडोर पॉइंट कोड, ठीक है, यहाँ पे मैं लेआउट में चला जाता हूँ और यहाँ पे भी दो ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे ये लाइन है, इसको मैं 1.5 कर देता हूँ और ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, पॉइंट कोड है, इसको मैं एलिवेशन का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट कोड हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ओके।
और यहाँ पे ये ऑफसेट है और ये एलिवेशन है। सेम जैसे हमने वहाँ पे किया है ऐसे ही हम यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। ओके ठीक हो गया। और यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह जो है वो हम सेम जो हमने वहाँ पे रखा है वही हम इसमें यहाँ पे सेट कर देते हैं। ओके ओके। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अभी अगर इन्फॉर्मेशन में देखे तो यहाँ पे ये सीपीसी के नाम से मैंने इसको बनाया, अप्लाई और ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है ये जो लेबल सेट था, ठीक है, लेबल सेट में यहाँ पे मैंने एक्सपेंड किया और न्यू किया। यहाँ पे मुझे कॉरिडोर पॉइंट लेबल चाहिए तो यहाँ पे ये अभी हमने क्रिएट किया। इसके लिए स्टैगर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको ये ऐड कर दिया। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसको बहुत सा स्टैगर कर दिया और ये वैल्यू मैंने इसको 2 रख दिया। यहाँ पे अप्लाई ओके कर दिया। यहाँ पे ये लेबल हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी हमने जो इसकी दूसरी सेटिंग करनी है वो यहाँ पे ये जो सेक्शन व्यू है यहाँ पे, अभी अगर आप देखें तो ये पहले सेक्शन टैब था, सेक्शन कैलबरी था, और यहाँ पे ये जो सेक्शन व्यू है इसको आपने एक्सपेंड करना है। यहाँ कमांड में आना है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू, यहाँ एडिट सेटिंग में चले जाना है आपने। और यहाँ पे ये जो लिखा है सेक्शन व्यू क्रिएशन, यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है वो कोड सेट पे सेट होता है बाय डिफॉल्ट। आपने इसको लेबल सेट पे जो अभी हमने क्रिएट किया स्टैगर के लिए आपने इसको सेट करके ओके कर देना है। यहाँ पे आपने कमांड देनी है कॉरिडोर सेक्शन लेबल कन्वर्ट, यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने जो भी सेक्शन है इनको सेलेक्ट करें और यहाँ पे अभी हमने इनको साइन करना है कॉरिडोर पॉइंट स्टाइल। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टाइल है जो अभी हमने क्रिएट किया है, तो ये हमारे पास न्यू के नाम से आया यहाँ पे। और जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो है वो स्टाइल बन के यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे अगर आप इसके शेप और ये लाइन कलर वगैरह जो है ये भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कोड सेट था यहाँ पे। ओके एडिट, यहाँ पे ये सीपीसी के नाम से जो हमने बनाया इसको भी अगर मैं सीपीसी का नाम दे दूँ तो ये हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगी। यहाँ पे अभी अगर मैं इसको एडिट कर दूँ, ओके जर्नल, यहाँ पे ये जो लाइंस ब्लैक वहाँ पे आ रहे थे हमारे, ओके मैं इनको यहाँ पे कलर दे देता हूँ यहाँ पे। ओके और यहाँ पे ये जो 2.54 हमें टेक्स्ट जो रिक्वेस्टेड था वही है हमारे पास यहाँ पे। ओके और स्टैगर की वैल्यू आप कम या ज़्यादा करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या वर्क करता है। सेम आपने इसको एक दफ़ा रीजन कर देना है, अगर रीजन से ये चेंज नहीं हो रहा तो सेम आपने करना है कॉरिडोर ओके कन्वर्ट। ओके सारे सेक्शन को आपने यहाँ पे क्लिक करना है कॉरिडोर, और यहाँ पे ये जो सीपीसी है ये आपने यहाँ पे असाइन कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा कोड सेट जो जो हमें स्टैगर रिक्वायर्ड था ये यहाँ पे आ गया है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इसको वापस नॉर्मल कोड सेट पे लेके जाना है तो सेम ही कमांड है CORRR कॉरिडोर कन्वर्ट। ओके और आपने इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कोड सेट असाइन कर देना है तो ये यहाँ पे नॉर्मल कोड सेट असाइन हो जाएगा। ये जो शेप है ये शेप आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके कॉरिडोर प्रॉपर्टी ठीक हो गया। यहाँ पे ये जो डेमो कोड है आप इसको यहाँ से, ये शेप है तो शेप में आप जैसे यहाँ पे ये बेस लिखा है आप यहाँ पे ये बेस करते हैं इसको असाइन। यहाँ पे पेव लिखा है आप पेव असाइन कर दें, और जहाँ पे आपका पेव टू लिखा है आप पेव टू यहाँ पे असाइन कर दें। ओके और यहाँ पे आपका सब बेस लिखा है आप इसको यहाँ पे सब बेस असाइन करें तो ये जो शेप है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी जो हमारी बाई डिफॉल्ट सिविल 3D में आती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है ये कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा कि स्टैगर जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। ओके और यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा फिर स्टैगर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके 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 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्टैगर हो गया है यहाँ पे। तो इसको आप अपने स्टैगर वैल्यू को चेंज करके कर सकते हैं और ये फॉन्ट जितना छोटा होगा उतने ये लाइन की ये जो लेंथ है वो कम आएगी आप